picking up the pieces that I lost in the lobby. I put you against the wall, you had us body. Hey everybody, welcome back to my channel Rajbir Fitness Series. This is me, Rajbir Sisodia. And guys, जैसे आप लोगों को पता है, lockdown खुल गया पूरे देश के अंदर, लेकिन जो जिम्स हैं वो नहीं खुले हैं. अभी आप मुझे देख के सोच रहे होगे मैं जिम में बैठा हूँ और बोल रहा हूँ जिम नहीं खुले हैं. तो जिम बंद ही है, ये भी बंद है. खाना देने आए हुए एक भाई को यहाँ पे, जो यहाँ रहते हैं, जो डिपेंड हैं इस जिम के ऊपर. कभी खाना खाया, कभी नहीं खाया, क्योंकि यहाँ से कुछ पैसे नहीं आ रहे हैं. तो भाई फ़ोन आया कि भूख लगी है, खाना चाहिए, मेरे घर के पास ही, तो खाना देने आया था. सोचा वीडियो बना दूँ. अब मैं ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो नहीं बनाता हूँ, आप लोगों को पता है, लेकिन जब मजबूरी हो जाती है ना, जब मेरे आसपास कुछ ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, अब इस टॉपिक पे बोलना चाहिए. अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको दो स्टोरीज सुनाऊंगा, बहुत छोटी छोटी. मैं जिम जाता था एनी टाइम फिटनेस नोएडा सेक्टर 76 में. तो वहाँ के एक ट्रेनर थे, उनका कल मुझे फ़ोन आया कि सर कैसे भी करके ना मुझे 50,000 रुपये उधार दे दीजिए. अब मेरी हालत तुम सबको पता है कि अभी अभी दुकान का ऐसे ऐसे हुआ है और बहुत सारा लॉस है. तो भाई मैंने कर दिया साफ सीधे मना, मैंने कहा भाई मेरे पास तो पैसे नहीं हैं. तो उन्होंने क्या किया, वो बाइक उठा के मेरे घर ही आ गए. उनको पता है कि ये बंदा इमोशनल है थोड़ा सा, इसको जब पूरी स्टोरी बताई जाएगी तो इसको समझ में आएगा. तो इन्होंने बोला मुझे पैसे मत दो, लेकिन मेरे साथ चल लो आप. अब जब मैं उनके साथ गया तो मैंने क्या देखा कि उनकी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका वो प्रेग्नेंट है, उनको डिलीवरी होने वाली है, और हॉस्पिटल में डिलीवरी चार्ज देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है. क्योंकि 50,000 रुपये, वो नर्सिंग होम था एक छोटा सा, वहाँ पे 50,000 रुपये मांग रहे हैं डिलीवरी चार्ज, और ट्रेनर के पास पैसे नहीं है 50,000 रुपये. ट्रेनर ने मुझे ये बात बोली कि सर अगर मेरे बच्चे कुछ हो जाता है या मेरी बीवी की डिलीवरी ठीक ठाक नहीं होती है, मैं सुसाइड कर लूँगा. तो फिर मैंने जैसे तैसे इधर उधर से अरेंज करवा के उसके पैसे का जुगाड़ करवाया. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारे देश की जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उन तक मैं ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि भाई दारू के ठेके खुल गए, मंदिर खुल गए, मस्जिद खुल गए, सारी चीज़ें खुल गई, तो हमारे लिए जो मेरे जैसे लोग हैं उनके लिए तो जिम ही मंदिर है, जिम ही मस्जिद है. हमारे लिए क्यों इतना वो किया जा रहा है, क्यों इस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है, क्यों इस टॉपिक को इतना इग्नोर किया जा रहा है? क्या जिम वाले लोग आप लोगों को ऐसे लगते हैं कि इतने इनडिसिप्लिन है? यार हम वो लोग हैं, हमको अगर ये पता ना कि रोटी नहीं खानी तो हम रोटी भी नहीं खाते एक महीना. अगर हमें ये पता कि पानी नहीं पीना तो 7-7 दिन हम पानी भी नहीं पीते. हम लोग इतने डिसिप्लिन में रहने वाले लोग हैं. तो जब दारू के ठेके खोले जा सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, तुम्हें लगता है कि वो लोग फॉलो करते हैं? मेरे घर के पास भी एक दारू का ठेका है, मैंने देखा इंसान के ऊपर इंसान चढ़ा हुआ है. वहाँ रूल्स नहीं टूट रहे, बार्बर की शॉप खुल गई हैं, मॉल्स खुल गए हैं, वहाँ भीड़ घूम रही है. रोड पर ऑटो के अंदर देखो 8-8, 10-10 लोग, जिस ऑटो के अंदर 6 लोगों की जगह है, तीन सीट पर बैठे, वहाँ 8-8, 10-10 लोग जा रहे हैं. जिम्स का रेंट नहीं जा रहा है लोगों का. जिम ओनर्स जो हैं वो इतने परेशान हो चुके हैं, इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं. अब जिस जिम में मैं बैठा हूँ, ये एक लड़की का जिम है, उसने उसको शौक है, जिम खोलने का शौक था. उसने बहुत मेहनत करके अपने फादर को कन्विंस करके जिम खोला, 40-50 लाख रुपए लगाए इस जिम के अंदर. साहिल खान से इनॉग्रेशन करवाया, बिकॉज उनको साहिल खान बहुत पसंद है. साहिल खान की फ़ीस दी, 6 महीने हुए इस जिम को, 2 महीने चला. अब 2 महीने में तो कोई भी बिजनेस आप करोगे उसकी रॉकेट नहीं लग जाता है उसमें कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाएगा. 2 महीने में पैसे भी नहीं कमाए और 4 महीने से ही जिम बंद पड़ा है. इस जिम का जो रेंट है वो 2,60,000 रुपये है. तो मतलब कि 4 महीने का किराया हो जाता है 10,40,000 रुपये. अब 10,40,000 रुपये उस लड़की के ना तो फादर दे के तैयार हैं. वो कह रहे हैं भाई मैंने तुझे जिम खोल के दे दिया, अब मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है. और ना ही जो मालिक है जिम का, जिसकी ये जगह है, ना ही वो मालिक माफ़ करके राजी है. मतलब आपने तो बोल दिया कि जिम का जो रेंट है वो आगे बढ़ा के ले लो, लेकिन ये 10-12 लाख रुपये आएंगे कहाँ से? अब लड़कियों का दिल होता है वो जो कमज़ोर होता है बहुत. अब जो लड़कियों का दिल होता है वो कमज़ोर होता है. अगर ये लड़की डिप्रेशन में आके कुछ कर ले, परेशानी में आके अपने आप को कुछ कर ले, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ऐसे इतने सारे केसेस सामने आ रहे हैं. अब चलो इस लड़के को पैसों की जरूरत थी, 50,000 रुपये की जरूरत थी, हमने इसको करा दिया, नहीं हो पाते बाई चांस, या एक का हमने करा दिया और 100 ट्रेनर्स ऐसे होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही होगी, उनकी हेल्प कौन करेगा? तो इनकी जो सैलरी है वो कहाँ से आएगी? जो जिम्स के अंदर ट्रेनिंग का स्टाफ है, ट्रेनर्स हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, और हमारे जो स्वीपर्स हैं, क्लीनर्स हैं, इनकी जो जेब में पैसे आते थे वो जिम की बदौलत आते थे, जिम से आते थे. तो जब जिम ही बंद हैं और इस चीज़ पर आप लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, तो वो इनका जो गुजारा होगा वो कहाँ से होगा? अब गरीब लोग तो मांग के खाना खा लेते हैं, आधे लोग रोड पे खाना बांट रहे हैं, गरीब लोग लाइन में लग जाते हैं खा लेते हैं, लेकिन मिडिल क्लास जो आदमी है उसके पास ना तो पैसे हैं ना खाना है, वो अब जाके लाइन में भी नहीं लग सकता खाना खाने के लिए. आपको क्या लग रहा है, आप ये बॉडी बिल्डर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत करके, इतने साल मेहनत किए देश का नाम करने के लिए, इतनी मेहनत की है, खून बहाया है, पसीना बहाया है, तो क्या चाहते हो वो लोग खाना खाने की लाइन में लगे जाके?
अच्छा लगेगा कि 18 इंच का बाइसेप अच्छा खासा पहलवान बॉडी बिल्डर भीख मांगने वाली लाइन में लगा हुआ है। तो ये दिन आने से पहले सारे लोगों को ये मंजूर है कि वो मर जाएं, आत्महत्या कर लें, ये तो कोरोना से भी बड़ा वायरस हो गया। अब क्या हुआ मिडिल क्लास लोगों के साथ, पहले लॉकडाउन हुआ 15 दिन का, उसमें गवर्नमेंट ने बोला कि किराए माफ़ करो, आप लोगों की मदद करो, आप लोगों को खाना खिलाओ, आप लोगों को पैसे दो। आधे लोगों ने 15 दिन का लॉकडाउन समझ के गरीब लोगों की मदद कर दी, जितने उनके सेविंग अकाउंट्स में पैसे थे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके सेविंग अकाउंट्स में पैसे थे, उन लोगों ने वो सारे निकाल के अपनी दरिया दिली दिखा के उन गरीबों की मदद कर दी। अब वो भी खाली हो गए। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने फोटो खिंचाने के चक्कर में, वीडियोस बनाने के चक्कर में, गरीब लोगों को खाना खिलाने के चक्कर में, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने के चक्कर में गरीबों की खूब दबा के हेल्प की कि हम थोड़ी सी फुटेज खा लेंगे। जिस भी नियत से की लेकिन गरीबों की मदद की ना, सारे लोगों के पैसे खत्म हो गए। अब जो मिडिल क्लास आदमी है, जो रईस है, वो तो रईस है, उनके पास सब कुछ है, पैसे हैं, खाना है, सब कुछ है। जो गरीब है उनका गुजारा हो ही रहा जैसे तैसे, आधे लोग मर भी रहे हैं, कितने लोगों ने फांसी खा ली। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं वो कहाँ जाएं? चलो ठीक है, 3-4 दिन से लॉकडाउन खुल गया, सारे लोगों की हेल्प हो गई, स्कूल नहीं खुले हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों का वहाँ जाना ठीक नहीं है, अभी एक जगह इकट्ठे होना ठीक नहीं है क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती। लेकिन जो जिम वाले लोग हैं उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है कि उनकी बातों पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, उनकी मजबूरी पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है? क्यों? क्योंकि इसमें हमारी गवर्नमेंट का प्रॉफिट नहीं है। दारू के ठेके सबसे पहले खोले गए, जो साले बेवड़े हैं दारू पी के रोड पे पड़े रहते हैं, उनको पीने के बाद ये नहीं पता होता वो कहाँ गिर रहे हैं, क्या पड़ रहे हैं, क्या कोरोना वायरस है, क्या इससे रिस्क है, उनके लिए सब कुछ खोल दिया। लेकिन जो लोग खून पसीना बहा के इतने साल सर्टिफिकेशन करके ट्रेनर बने हैं, बॉडी बिल्डर बने हैं, जिनके लिए पूजा है, मंदिर है, मस्जिद है, सब कुछ जिम है, उनके लिए कुछ भी नहीं। तो अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हम जो लोग हैं, जो जिम जाने वाले लोग हैं, जो बॉडी बिल्डर हैं, जो एथलीट्स हैं, वो शराबियों से भी गए गुजरे हैं, शराबी रूल्स का एंड रेगुलेशंस का पालन कर सकते हैं लेकिन बॉडी बिल्डर्स नहीं कर सकते, क्या आपकी ये सोच है? तो इतना जो डिसिप्लिन लाइफ जीता है ना एक बॉडी बिल्डर, एक एथलीट जो इतनी डिसिप्लिन लाइफ जीता है कि मेरी बॉडी ख़राब ना हो जाए तो मुझे रोटी नहीं खानी है, मेरी बॉडी में वाटर रिटेंशन ना पड़ जाए, मुझे नमक नहीं खाना है, मेरी बॉडी पे फैट ना आ जाए, मुझे चीनी नहीं खानी है, मीठा नहीं खाना है, मुझे बॉडी से वाटर निकालना है तो मुझे पानी नहीं पीना है 7 दिन स्टेज जाने से पहले। तो ये जितनी डिसिप्लिन की लाइफ जी है इन लोगों ने ज़िंदगी भर, ये तो बेकार गई। आपने कंपेयर कर दिया इनको शराबियों से भी बुरा, मतलब शराबी डिसिप्लिन में रहेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे लेकिन बॉडी बिल्डर्स नहीं रहेंगे। मैं एक चीज़ बता दूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं कि ये जितने भी जिम जाने वाले लोग होते हैं, सबसे पहले तो इनके अंदर कोई बुरी आदत नहीं होती, ऐब नहीं होता, नशा नहीं होता। दूसरी चीज़ डिसिप्लिन, मुझे नहीं लगता जिम जाने वालों से ज़्यादा डिसिप्लिन द सिटीजनशिप की बात करो, नॉट आर्मी नॉट मिलिट्री, जो लोग हैं देश के, जिम जाने वालों से ज़्यादा डिसिप्लिन किसी के भी अंदर होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे लोगों से, मेरा जो मैसेज है ये गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए या इस वीडियो को शेयर किया जाए, नहीं करना तो मेरी रिक्वेस्ट है हर बंदे से कि इस टॉपिक पर वीडियोस बनाएं। जितने भी मेरे फिटनेस यूट्यूबर भाई हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, चाहे किसी के 1000 सब्सक्राइबर हैं, चाहे किसी के 4 मिलियन है, 3 मिलियन है, 5 मिलियन है, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए, आवाज़ उठाई जाए, ताकि जो ट्रेनर्स, जो जिम के रिसेप्शन पे बैठने वाले लोग हैं या जो स्टाफ है या ओनर्स हैं, वो जो हर दिन मर रहे हैं ना, वो उस चीज़ से बाहर निकले, जल्दी से जल्दी जिम खुलवाए जाएं, रूल्स बनाए जाएं, रेगुलेशंस बनाए जाएं। भाई हर जिम के अंदर हर बंदा मास्क पहन के जाए, सैनिटाइज़र अपना खुद कैरी करके जाए, जिम के अंदर एज रिस्ट्रिक्शंस रखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि 50 साल से ऊपर वालों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, 40 साल से ऊपर वालों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो एज रिस्ट्रिक्शन रखवा दीजिए कि भाई जिम के अंदर 18 से लेके 25 साल के या 30 साल के बच्चे जाएंगे या लड़के जाएंगे, तो जिम तो एटलीस्ट खुलें। जिन लोगों का खर्चा जिम से चलता है उनको एटलीस्ट रोटी तो मिले, उनको एटलीस्ट खाना तो मिले, एटलीस्ट उनको सैलरी तो मिले। जिस ट्रेनर की मैं बात बता रहा हूँ उसने कल मुझे ये बोला, इधर मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उधर बच्चा हो रहा है मेरा, इधर मेरे फादर को हाई शुगर है, उनकी दवाइयाँ चलती हैं, वो मेरे ऊपर, मेरी पूरी फैमिली मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं कैसे करूँ? तो इतने सारे जो ट्रेनर्स हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, करोड़ों ट्रेनर्स हैं कि घर की रोटी, जिनके माँ बाप का ध्यान सिर्फ और सिर्फ वो ट्रेनर्स रख रहे हैं और वो डिपेंड हैं अपने जिम की सैलरी पर। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिवाय बॉडी बिल्डिंग के कुछ नहीं आता, जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है, जिन लोगों ने कभी जॉब नहीं की है, उनको बचपन से कीड़ा था एक खिलाड़ी बनने का, देश के लिए मेडल लाने का, एथलीट बनने का, कॉम्पिटिशन्स खेलने का। तो जिस इंसान को बॉडी बिल्डिंग के अलावा आता ही कुछ नहीं है वो क्या करेगा जाके?
तो मेरी सारे लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई हैं, प्लीज़ इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि कहीं से कोई शोर नहीं हो रहा है, तो लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया हुआ है, ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है, गवर्नमेंट को कोई खास फायदा मिलना नहीं है इससे, तो उनको ये है कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब सारी चीज़ें होगी तब जिम भी खुलवा देंगे, लेकिन इस जिम से कितने लोगों के घर चलते हैं, कितने लोगों के घर के चूल्हे जलते हैं, ये चीज़ जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी इस गवर्नमेंट को बताई जाएगी, उनके कानों में ये बात डाली जाएगी, एटलीस्ट इन लोगों का भला होगा। भाई मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ना तो मेरा कोई जिम है और ना ही मैं कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा फिटनेस फ्रीक हूँ कि मेरा काम नहीं चल रहा बिना जिम के, लेकिन मैं ये जो आवाज़ उठा रहा हूँ उन लोगों के लिए उठा रहा हूँ जो हर दिन सफ़र कर रहे हैं, जिनके पास खाने को खाना नहीं है और जेब में पैसे भी नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे। तो मेरी सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे वो ट्विटर पर एक्टिव हों, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हों, प्लीज़ इस टॉपिक के ऊपर आवाज़ उठाइए कि भाई जल्दी से जल्दी जिम खुलने चाहिए, विद सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिनको ध्यान में रखते हुए इंसान जिम करे, अपना सैनिटाइजर अपने साथ कैरी करे, एज रिस्ट्रिक्शन लगा दो, लगानी है तो कि भाई 18 साल से कम के बच्चे ना जाएं, 40 साल से 50 साल से ऊपर के लोग ना आए। जब कह ही दिया है मोदी जी ने, जब ये कह दिया है कि भैया आत्मनिर्भर बनो, तो हर इंसान को अपने आप अकल है उसको प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं। इतनी सारी मौत होते हुए हर इंसान देख चुका है इंडिया के अंदर, इतने सारे पॉजिटिव केसेस आके हर इंसान देख चुका है कि उसको कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं। तो जब आपने बोल ही दिया आत्मनिर्भर बनो, तो एक चीज़ बंद करने से क्या होगा, लॉकडाउन का मतलब होता है या तो सब कुछ बंद रहे या सब कुछ खुल जाए। अब जिम ना खुलने से वायरस नहीं फैलेगा, इसकी क्या गारंटी है। जो लोग ऑटो में ट्रैवल कर रहे हैं, एक एक ऑटो में 8-8, 10-10 लोग बैठे हैं, मंदिरों में इतने इतने लोग जा रहे हैं, मस्जिदों में इतने इतने लोग जा रहे हैं, तो क्या वो वायरस लेके नहीं आएंगे, वो हम लोगों से नहीं मिलेंगे। सपोज़ करो मेरा कोई दोस्त है जो जिम नहीं जाता, लेकिन वो घूम सारे मेरा है, और वो अगर मुझे आके मिलेगा तो क्या वो मुझे वायरस नहीं देगा। तो ये तो नॉनसेंस वाली बात हो गई कि सारी चीज़ें खोल दो, जिम मत खोलो। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सारे लोगों से हाथ जोड़ के इस टॉपिक के ऊपर, मैं नहीं कह रहा मेरा वीडियो शेयर करो, इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाई जाए, गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाई जाए। अगर जिम नहीं भी खुल रहे हैं तो एटलीस्ट ऐसा कोई ऑप्शन निकाला जाए कि जितने जिम वालों के रेंट है, कितने लोगों ने जिम को अपने गहने बेचकर, अपनी बीवियों के गहने बेचकर, अपना कर्जा लेकर, बैंक से लोन लेकर जिम खोले हैं, और उनके अभी जिम बंद हो गए, 2-4 महीने भी नहीं हुए बेचारों को, जिम बंद पड़े हैं, कहीं से कमाई नहीं हो रही है, रेंट उनको देना पड़ रहा है, वो कहाँ से जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन निकाला जाए कि या तो उनका रेंट माफ़ करवाया जाए, ट्रेनर्स के लिए कुछ किया जाए। भाई ट्रेनर्स हैं, कोई शान से ज़िंदगी जिए, ईमानदारी से पैसा कमाया है, मेहनत की है, अब जाके भीख तो मांग नहीं सकते, तो मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। अगर 2-3 महीने और ये चीज़ रह गई, जिम्स बंद रह गए 2-3 महीने, तो यार बहुत बुरी हालत हो जाएगी फिटनेस इंडस्ट्री की, ट्रेनर्स की, जिम ओनर्स की, और जिम के जितने भी स्टाफ्स हैं। तो भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हर उस बंदे से जो यूट्यूबर है, चाहे किसी के 1000 फॉलोवर हैं, चाहे किसी के मिलियंस में, प्लीज़ इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए, इस टॉपिक को ट्रेंडिंग में लाया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी ये बात हम सब की आवाज़, एक बंदा कोई करेगा तो कुछ भी नहीं होने वाला, सारे लोगों की आवाज़ मिलके गवर्नमेंट के कानों तक जाए और इस चीज़ को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, ताकि ये जो लोग हर दिन सफ़र कर रहे हैं ना, जो ट्रेनर्स हर दिन मर रहे हैं, जो जिम ओनर्स हर दिन परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी कम हो, एटलीस्ट उनके घर में चूल्हा जले, जेब में 4 पैसे आए, जिससे कि उनके परिवार का और उनका गुजारा चल सके। तो यही मेरा कहना था, यही मेरा कंसर्न है वीडियो बनाने का। आप जिस ट्रेनर की मैं बात कर रहा हूँ उसकी आप कल हालत देख लेते ना, तो यही मेरा रीज़न था वीडियो बनाने का। तो गाइज आई होप आप मेरी आवाज़ को ऊपर तक लेके जाओगे और ख़ुद भी आवाज़ उठाओगे हमारे ट्रेनर भाइयों के लिए, हमारे जिम ओनर्स के लिए। थैंक यू सो मच, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में। बाय।